अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जली हसी माजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक छोटी सी और आसान सी किचन टिप लेकर आया हूँ, होम रेमेडी लेकर आया, होम टिप लेकर आया हूँ, बहुत ही यूज़फुल है। दोस्तों कई लोगों को बिस्किट्स और कुकीज़ वगैरह खाने का बहुत शौक़ होता है, वो बड़ी मकदार में बाज़ार से ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन जब आप उसे किसी भी डब्बे में डालते हैं तो एयर टाइट भी ईवन हो तो उसके अंदर दोबारा दो तीन दिन के अंदर ही वो जो हमारे बिस्किट है खस्ता नहीं रहते, जो हवा में मौजूद नमी होती है उसे सोख करके बिल्कुल वो कुरकुरे नहीं रहते, खस्ता नहीं रहते, क्रिस्प नहीं रहते, तो ढीले से हो जाते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपके लिए बहुत एक आसान टिप लेकर आया हूँ। दोस्तों एक बारीक जो है मलमल का कपड़ा लेके उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून भर के पिसी चीनी डाल के पोटली बना के उसके अंदर तय में रख लेनी है, और फिर आपने एयर टाइट उसमें जो है किसी भी जो है बोतल के अंदर इसे डालकर बिस्किट्स अपने रख लें, तो आपके जितनी भी नमी होगी वो बिस्कुट के ऊपर असर नहीं करेगी, वो जो पोटली होगी चीनी की जो हमने बनाई होगी। शुगर क्यूब भी वैसे मिल जाते हैं मार्केट से, आप शुगर क्यूब ले लें, अगर नहीं मिलते तो आप इस तरह ये कर लीजिएगा, 1 टेबल स्पून के करीब पिसी चीनी को आपने मलमल की जो पोटली बना के आपने उसके जो है जो डिब्बे के तह के अंदर रख लेनी है, और फिर आपने बिस्किट अपने डालने और डेली आप खाएँ, कम से कम ये 1 महीने 1.5 महीने तक ख़राब नहीं होंगे और फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल कुरकुरे रहेंगे, खस्ता रहेंगे। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी मेरी किचन जो टिप है पसंद आई होगी, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना, मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, ओके जी, हाफिज़, टेक केयर।